मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और आज फिर आपके अनुरोध के अनुसार एक महत्वपूर्ण नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूं। मित्रों शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा करें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अवश्य ध्यान दिया करें और कमेंट करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वो बात आपको वीडियो में बता दी गई है या नहीं। और प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें क्योंकि आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार हेतु ही यह चैनल दिया गया है और आप चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं। इसी प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आज का विषय है, कई भाई बहनों ने इसके विषय में जानकारी मांगी है, शरीर की गर्मी को शांत करना। देखिए शरीर की गर्मी क्या है? जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि हो जाती है और पित्त की जो वृद्धि है उससे अनेक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। बीपी हाई रहना, देखिए बीपी हाई क्यों रहता है? ये जो पित्त है यही कंसंट्रेट होकर के हमारी नलियों में, रक्त नलिकाओं में जमना शुरू हो जाता है और हृदय तक रक्त भली भांति नहीं पहुंच पाता। इसी के कारण बीपी हाई होना शुरू हो जाता है और शुगर की बीमारी उसके बाद शुरू हो जाती है। जब बीपी हाई की दवा हम शुरू कर देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अन्य ऑर्गन्स पर पड़ता है, तो हमारी जो पेंक्रियास है वो भी प्रभावित हो जाती है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, तो इस प्रकार से शुगर की बीमारी आ जाती है। और अल्सर जो आमाशय में छाले उत्पन्न हो जाते हैं वो भी पित्त के कारण ही होते हैं। पेट खराब हो जाता है, पथरी फॉर्म आ जाती है, पित्त की पथरी फॉर्म आती है और गुर्दे की जो पथरी फॉर्म होती है उसमें भी पित्त का योगदान है। नक्सीर फूटने लग जाती है, अन्य स्रोतों से रक्त स्राव होना शुरू हो जाता है। महिलाओं को जो मासिक के समय अति रक्त होता है उसका भी कारण पित्त है। शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है, मूत्र कम आता है तो जलन के साथ आता है, तो मल मूत्र की जो सामान्य क्रिया है वो बाधित हो जाती है। तो इस रोग को सामान्य रोग ना समझ करके गंभीर रोग समझे। कई व्यक्तियों को सर्दी में भी गर्मी महसूस होती है, बार बार ज्वर आने लग जाता है, सिर में दर्द बना रहता है और भली भांति नींद नहीं आती, तो इस प्रकार की समस्याएं पित्त के कारण उत्पन्न होती है और इसी को शरीर की गर्मी कहा जाता है। अब इसको शांत कैसे किया जाए? अति आवश्यक है इसको शांत करना, नहीं तो आप अन्य कई रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, यह निश्चित मान लिया। तो इसको शांत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा कि आप नमक की मात्रा कम कर दें, बल्कि साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक, लाहौरी नमक जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं, उसका प्रयोग करें और गन्ने का रस पिए, खांड का शरबत भी इसमें लाभदायक होता है। सत्तू, मुनक्का, गुलकंद, पेठा, पेठा की मिठाई जो है, जो पेठा सबसे अच्छा मीठा है, वो जितने भी आप मावे की मिठाई खाते हैं उन सबसे बेहतर है पेठा की मिठाई, लीवर के लिए बहुत लाभदायक है, पित्त को शांत करता है। आंवले का मुरब्बा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण भी आप ले सकते हैं और जब आंवले का मौसम आता है तो प्रत्येक दाल सब्जी में एक दो आंवला डाल दिया करें, साबुत डाल दें, उसका अंश उसमें आ जाएगा और बाहर निकाल के आंवले को अचार के रूप में खा लें। इस प्रकार से आप इसका उपाय कर सकते हैं और सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य रखें, चाहे एक ही समय का उपवास रख लें रखें, उससे भी पित्त शांत होता है, पित्त डाइजेस्ट होता है।
उसको डाइजेस्ट होने का अवसर मिलता है। और गेरू का पानी, गेरू को पानी में भिगो कर रख दें और जब वो निथर जाएगा तो उस पानी को पिए, वो भी पित्त को शांत करता है। अच्छा, ये तो हुए आपके खाने पीने का प्रबंध। अब मैं आपको बताता हूं इसका उपचार कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, एक पीली मिट्टी आती है, चिकनी पीली मिट्टी आती है, उसको ले लें और उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं और नहाने से पहले शरीर पर उसका लेप कर दें। इसके लेप से क्या होगा, हमारे जो त्वचा के जो छिद्र हैं, जो त्वचा के छिद्र हैं जिनसे पसीना बाहर निकलता है, वो छिद्र खुलेंगे और आपको पसीना ठीक से आएगा और पसीने से आपके बहुत सारे रोगाणु निकल जाएंगे। और दूसरा उपाय है, एक औषध मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, उसमें भी मैंने एक औषध बताई थी, तो वो शायद आपको नहीं पसंद आई होगी। आज का जो नुस्खा है ये बहुत पैटर्न नुस्खा है, इसमें आपको लेना है प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम और सत्व गिलोय 10 ग्राम। तो ये तीनों को 10-10 ग्राम लेकर के एक एक रस कर लीजिए और इसकी बराबर बराबर मात्रा में 60 पुड़िया बना लीजिए, एक पुड़िया सुबह एक शाम, आप खाना खाने से आधा या एक घंटा पहले, या तो शहद से चाटने या मक्खन में मिला करके चाटने। और इसी के साथ साथ खाना खाने के एक घंटे पश्चात चंदन आसव 15 मिलीलीटर लेकर के उसमें बराबर पानी मिलाएं और उसी के साथ दो चंद्र प्रभावटी खाना खाने के एक घंटे पश्चात लेते रहें। चंदन आसव 15 मिलीलीटर बराबर पानी मिला लें और उसी के साथ चंद्र प्रभावटी दो सुबह शाम लेते रहें। किसी भी प्रकार की पित्त की शिकायत आपको होगी, शरीर में किसी भी प्रकार की गर्मी उत्पन्न हो गई है, बेचैनी रहती है, सब शांत हो जाएगी, आपको अच्छी नींद आएगी और आप अपना सामान्य जीवन जिएंगे, तो इस प्रकार से परहेज के साथ साथ आप इसका उपयोग करें, आपको लाभ आएगा। और मित्रों, लाल मिर्च ना खाएं और मसाले जो गरम मसाले हम डाल लेते हैं स्वाद के लिए, वो भी कम से कम प्रयोग करें और अपने भोजन में तेल का कम से कम प्रयोग करें, तली हुई चीजें ना खाएं। तो इस प्रकार से आप इसका संपूर्ण निवारण कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण नुस्खे आपको दिए जाते हैं, निशुल्क दिए जाते हैं, ये मैं अपने जीवन भर का अनुभव आपको बांट रहा हूं। अब मैं धीरे धीरे अपने क्लिनिक को समेट रहा हूं, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से कामयाब है और वो अपना जीवन बहुत सुखी व्यतीत कर रहे हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और बच्चे स्वयं कहते हैं कि पापा जी, अब आप इतना मेहनत ना कीजिए और अब इन सब को, अपने अनुभव को सार्वजनिक कर दीजिए, और उसी के अंतर्गत मैं ये सब कर रहा हूँ। इसीलिए अब मैंने अपने क्लिनिक पर दवाइयाँ भी 50% रखना बंद कर दिया है, जो बहुत ही जरूरी है उन्हीं को मैं रखता हूँ, अन्यथा सब पर्चे पर लिख कर दे देता हूँ और वे अपना खुद खरीद करके उपचार करते हैं। जहाँ कहीं उनको कोई परेशानी आती है वो मेरे से संपर्क कर लेते हैं, मेरे रोगी। इसी प्रकार से मैं कमेंट के माध्यम से आपको पूरा सहयोग देता हूँ, आप कोई भी समस्या कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका पूरा व्यवस्थित उत्तर दूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं अभी तक करता आ रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।